आवण जावण कर गया रे कर गया कोले अनेक, अरे गिणता गिणता गस गई मारी लाल गली जारी रे। सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बता दूं आपको कि युवराज शाह के रावले आए हैं। रियली अगर आज यहाँ नहीं आते तो ये जो शांति थी वो महसूस नहीं कर पाते। मैक्सिमम जो काउबॉयज और यूज करते हैं पेंट्स वो, हाँ, हाँ, क्योंकि वो ज्यादा एक्सेसरीज नहीं लगाते हैं। हाँ, इनके कुछ रिव्यूज हो जाए आज। यस यस। तो मूंछ मरोड़े घोड़े चढ़े ले हाथा तलवार। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बता दूं आपको कि युवराज शाह के आज रावले आए हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार प्लेस है और हम हैं प्रिंस बाबा है। खमा गणी खमा सा। तो मतलब ये स्वागत जो था ना, एक नंबर, मतलब गांव की याद आ गई। और ये हमारे बाबा श्री हैं जिनकी वजह से आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। और ये हमारे प्रिंस बाबा है, हेलो, जिनसे मैं करीबन लगभग तीन साल बाद में ढंग से मिलने का हुआ है। और सबसे थैंकफुल हम इनको कहना चाहेंगे, युवराज बना से हम सब इनकी वजह से यहाँ पर हैं, इनकी वजह से। क्योंकि मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि हम यहाँ पर आते या नहीं आते, बस असमंजस चल रही थी, लेकिन इन्होंने संभव कर दिया वो सब। मतलब हमें लेने भी आ गए और यहाँ तक हमें लेकर भी आ गए, लेकिन यहाँ पर आकर हमें लग रहा है रियली अगर आज यहाँ नहीं आते तो ये जो शांति थी वो महसूस नहीं कर पाते। सबसे मेन बात आपको बता दूँ कि यहाँ पर हॉर्सेस भी है दो, और उसके बाद में पशु भी है और डॉग्स भी है, मतलब शानदार है। अभी लाइटिंग नहीं है इस वजह से मैं आपको अभी इसमें दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हमें यहाँ पर आने का मौका मिलेगा तब ज़रूर आएंगे और पूरा वीडियो बनाएंगे और पूरा दृश्य दिखाएंगे आपको। हाँ, इनके कुछ रिव्यूज़ हो जाए आज। यस यस। तो बताइए बाबा श्री, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? इंग्लिश में बता दो। हाँ, इंग्लिश में बता सकते हो आप? काफ़ी टाइम बाद हमें बहुत अच्छी जगह आने को मिला। बताओ दर्शक इंग्लिश में सुनना चाहते हैं। इनकी इंग्लिश मतलब इंग्लिश ऐसी है नेक्स्ट लेवल की है। माइंड ऐसी है कि उसमें हैवी सिटी नहीं है। इनकी इंग्लिश कभी गायब हो जाता, कभी गायब हो जाता। हम यहाँ आए हैं हमारे युवराज बना जी के, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है। हम जहाँ हॉर्स राइडिंग सीखने जाते थे वहाँ हमारे जो हम जो जो मैं फर्स्ट गुरु मानता था वो हमारे ही है हॉर्स राइडिंग में। मतलब बहुत तगड़ी हॉर्स राइडिंग करते हैं बाबा, इनके खुद के जॉकी के जैसे बिल्कुल, मतलब बाबा के खुद के दो राइडर, बहुत अच्छे मारवाड़ी ओरिजिनल मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं। और क्या नाम है उनका, लक्ष्मी और राज पद्मनी, राज पद्मनी, बहुत ही शानदार घोड़ियां हैं। अब ये लाइट अगर उनकी फोटोज होगी तो आप मेरे को दोगे तो मैं इधर डाल सकता हूँ ना? ठीक है, तो फोटोज भी देखिए। सैंडी बाबा ने आज का दिन बना दिया, अब थोड़ा सा इनका बचा है ये भी बनाएंगे। हाँ, बाकी का दिन हमारे युवराज बना ने बना दिया। सो बाबा श्री, हाउ यू फील राइट नाउ? अरे माय गॉड, मैं नहीं बता सकता, कांट एक्सप्लेन। माइंड ब्लोइंग है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर अंदर का रूम, तो चलिए। तो ये है यहाँ का अंदर का रूम और ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पूरा किस तरीके से।
सो फाइनली हम रूम के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही एंटिक, जो ये आपको मालूम होगा कि जो ऊंट के ऊपर हम बैठते हैं तो कैसे राइड करते हैं, तो उस तरीके का ये यहाँ पर है। कैमल के लिए ये ना है ना युवराज बना? हाँ जी, कैमल के लिए। और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर एक तिरंगा भी लगा है, मतलब देश की शान। और ये सब, ये सब जो सर्टिफिकेट्स है युवराज बना, ये किन? मेरे बड़े फादर के हैं। अच्छा, आपके बड़े फादर साहब शहीद हो चुके हैं। ओके। हाँ, ये सारे उनके सर्टिफिकेट्स हैं जो उन्होंने अदर कंट्रीज में जो वॉर्स में जो पार्ट लिया उन्होंने, उसके हैं, सेना मेडल, शौर्य चक्र और ये सब चीजों के ये जो सर्टिफिकेट्स हैं सारे। ओके, तो आपको दिखाता हूँ। यूनाइटेड नेशंस, दिस इज टू सर्टिफाई दैट एचएबी लाल सिंह खिची नेशन मेडल। भाई ये सिंगल पर्सन ही है आदमी जिन्होंने 18 साल जम्मू कश्मीर में ही नौकरी की है। ओह, ये सिंगल पर्सन 18 साल तक उन्होंने नौकरी की जम्मू कश्मीर में। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में किया ना, जो भी वर्क किया वो सारा जम्मू कश्मीर में ही किया। अदरवाइज सिर्फ एक आर्मी पर्सन जो भी होता है सोल्जर, वो सिर्फ 3 साल ही करता है और वो बड़े मुश्किल से निकालते लोग। तो इन्होंने अपनी जो पूरी है जो भी जर्नी जो थी इनके, वो सारी की सारी जम्मू कश्मीर में की। ओहो, मतलब देशभक्ति किस लेवल की होगी तो आप देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमने इसके बारे में बताया। हाँ, ये यहाँ तो एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं अपन, जब वो आता है उस पे, हाँ होता है तो उसके ऊपर जो आता है ना, हाँ मेरे को वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं, जब हुए थे शहीद, मैं लपेट के जब बड़े फादर शहीद हुए थे, हाँ तो उनके साथ ऊपर जो साथ में जो तिरंगा था, हाँ वो ये तिरंगा है, तो इसलिए हम ऐसे ही कमाया है इन्होंने। हाँ सर, टिक्स वो भी है, वो भी ये यहाँ पर बताए आप कि एक्चुअल में ये जो है, ये कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स हैं पहले के टाइम के हैं। तो पहले जैसे यहाँ पे यहाँ हताइयाँ होती थी तो लोग बैठते थे, तो बड़े बुजुर्ग के जो हताई के अंदर जो एक जैसे आजकल अपन स्मोकिंग के लिए और यूज करते हैं, तो उन्हीं के ये कुछ है प्रोडक्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो स्मोकिंग के काम आता था। ये जो अफीम होता है उसके काम आते थे, अमल तोलते थे इसमें ना? नहीं, अमल इसमें वो हाँ वो जानता गोटी गालता देखो आप क्या शानदार थी वही तो ये तो आप उसमें मिक्स करते हो ना, तो अभी क्या करते थे उसमें रखते थे अपने ऐसा ऐसा करते थे बाहर, मेरे फोटो की सुनना है। So, और ये यहाँ पर भी ये हो गया हॉर्स का सैडल, ये पहले सैडल सिर्फ इतना ही आता था, अदरवाइज सारे वो एसेसरीज काम में लेते थे, सॉफ्ट एसेसरीज, बाकी ये सैडल ही होता था पहले। हाँ, पहले के टाइम में ये ऐसा सैडल होता था जो घोड़े पे अपन लगाते हैं, उसके बाद में अपन बैठते हैं ना, वो वाला चीज है, वही सैडल हो गया। ये हो गया अपना, तो अब ये जो बताएंगे हम ये है मैक्सिमम जो काउबॉयज और यूज करता है पेंट्स, वो हो गया, क्योंकि वो ज्यादा एसेसरीज नहीं लगाते हैं जब भी वो राइड वगैरह करते हैं, तो उनके लिए एक सिंपल सा ये पेंट होता है जिसको वो अपने जीन्स के ऊपर वियर करते हैं, और उसके बाद ये डायरेक्ट किसी को यूज करते हैं ताकि ये सेफ्टी पर्पज के लिए, सेफ्टी पर्पज के लिए, मतलब राइडिंग के जो अपने पाँव वगैरह होती है उसकी सेफ्टी के लिए होता है ये सब कुछ। और ये यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही है आपको, ये सारी तस्वीरें जो है युवराज बना, बड़े फादर को जो भी अवार्ड्स थे ना, हाँ हाँ, ये उन्हीं की है, जो भी उनकी जर्नी थी, हाँ जैसे हाँ जैसे उनको अवार्ड्स मिले वैसे वैसे ये उनकी जर्नी के हिसाब से फ्रेम्स किए गए हैं सारे के सारे। ओके ओके, नियर अबाउट होंगे यहाँ पे 25-23 फ्रेम्स, कुछ फ्रेम्स अभी बन रहे हैं, बनने के लिए दिया और काफी फ्रेम्स अभी लग चुके हैं। ओके, तो आप देखिए कैमल का जो होता है, कैमल की सैडल होती है उसका पार्ट है ये, ओके, मेन स्ट्रक्चर होता है उसके कैमल के सैडल का, तो जिसको अपन बोन भी कहते हैं, सैडल बोन भी कहते हैं, तो ये होता है पहले। अब तो जैसे फाइबर के बनते हैं, पहले ये मेटल में आते थे जैसे ब्रास वगैरह, वुडन है और कुछ उनको और शोकेस के लिए, कुछ और सुंदरता के लिए उसमें कुछ चीजें यूज की जाती थी, जैसे ब्रास वगैरह है, ये जैसे सिल्वर वगैरह है, ये सारी चीजें उसमें यूज की जाती, थोड़ा सा और डेकोरेटिव बनाने के लिए।
दाता ने मारो गांव उजली हो जैसा भाटियारो मेरा सी हुकम सिंह धीरे करे घोड़ा घोड़िया भी जो पशु रो काम करिया करूँ और गाना बजाना सब सिंगर वगैरह सब हूँ राइडिंग वगैरह कुछ करना वो सब करता हूँ गाना बजाना मतलब सब है नहीं वो हमारे गांव मतलब पागती भी है दो ढाई किलोमीटर दूर है। खमांगणी चार बांस चौबीस गज अष्ट अंगल प्रमाण इते पर सुल्तान है मत चुको पृथ्वीराज सिंह चवाण खींची कुल में खान माथा दे जसे हटे मूछ मरोड़े घोड़े चढ़े ले हाथा तलवार घाटी सू गाया घेरे जिन रोई नाम जुंजार खमा गणी आंदा था ने खींची साहब ने युवराज बना ने गणी खमा खमा गणी संदीप बना खमा गणी बिड़दे दे सनन बिड़ा सुमेर पहाड़ा मोड़ गुल्ड पंखा लंखा गड़ा रण बंखा राठोड़ खमा गणी आंदा था सर राठोड़ी सा खमा गणी खतरिया रही पोल में हाथी घूमे हजार कई काला कई काबरा आना धोलारो छे नैनी पार घनी खमा आंदा तने शुभराज सोलंकी साहब खमा गणी पमारा तनी प्रथमी प्रथमी बड़ो पमार एक उजिणी धार दूजो आबू गड बैठनो सोलंकी साहब राई जय खार जपी जय प्रमाण घनी खमा आंदा तने एक बरिया एक बार सब दुनिया दागल भई बिन दागल असवार रया राण प्रताप सिंह गणी खमा आंदा तने सबा ने खमा गणी पदारो होगा केसरिया बालम आवो निसा पधारो जिम्हारे देश जी हमारे जोड़ी रा ढोला आवो निसा पधारो जी मारे देश आवण जावण कर गया रे कर गया कोले अनेक अरे गिनता गिनता गस गई मारी लाल आंगली जारी रे दारू पियो रे बाल मारे राथा जीरा को नैन अरे दुश्मिया परा जल जल मरे तो सुख पावे सब सेन दारू को रे प्यालो भलो रे दुपटे रोज हालो अरे मरवण धन तो पतला भला तो मारू मत वाला दारू दे तो मास दे रे चढ़ने घोड़े ए राक अरे पांच भाया रो साथ दे तो तिरिया दे हंस बोल मतलब मैं बोलता हूँ जैसे वो हारमोनियम बोलते तो एक से मतलब दूसरे से वो साथ मिल जाता है आपके हिसाब जो आपको दिल से अच्छा लगता है वो चीज सुना दो। कुरझारे करला ठो मांडी और दरिया पहली दंग सूती ने सपनों यायो माजे यारे गत पे गया अंग सूता जी सुख भर नींद में अरे सूता ने आयो जंजाले जंजाली जी बेड़ा
तू क्या आयो जंजाड़े धमे धमे वो मेला नीचा ओ तिरई आरी गया गया सासू जी रे पासे सासू जी अपरा प्रिंस बनाने दे क्या मेरा जे जी आप तो वो बिननी सा बावेला अरे मारा वो प्रिंस बना बस परदेसे सपनों तो अपने झूठो जी जायो है सा अरे तू तो ये कुर्जा हारे गाम की हो लागे धर्म की भाणे कुर्जा ये मारा प्रिंस बना मिला दी जो आज जी सोट पे अरे चाचा पे लिख दू थारे ओ होली बा अरे पाका पे साते सलामे संदेशो मारे प्रिंस बनाने दीजो सा अरे हंसे हंसे बच्चा प्रिंस बना ओली बा अरे मुले कने बाचा सलामे संदेशो मारे घरा सूजियायो है राजे जी एलो वो राजा जी आपरी नौकरी अरे एलो रे सतीड़ा थारो साते हो संदेशो मारे घरा सूजियायो है राजे जी एक टकेरी ढोला नो करी लाखा वो टकारी घर री नारे कुर जाए मारा अंदाता मिला दी जो आजे जी खमांगने खमांगने बहुत जोरदार आनंद आ गया आनंद खमांड बहुत सॉलिड क्या क्या इसका क्या मतलब इन अर्थ बताइए जो इन के कहीं मतलब प्रिंस बाबा नाव में प्रिंस बना फौज में रहता था तो पहले ये मतलब फोन वगैरह एसटीवीजी की होती नहीं तो पंख पंखे रो वो संदेश लेने जाते तो मतलब कागज पत्थर तो कुर्जा कुर्जा आवे एक हंसले टाइप सफेद कुर्ज वो बाल देश वो चिट्ठी बाल देशों से आती है नहीं आता भी गणी है जाने पर जब संदेश लिखन भेज दियो मतलब पहला तो सपने में होता था सपने में होता नहीं संदेश आयो के रात यहाँ पर मतलब साथ में ही जाना नीचे मतलब मेल में ऊंचे सूता था जाना भाई बिना नीचा नीचे आयो नीचा वो आन सासू जी ने कहो कि रात आप रे बेटा आया हाँ जाने के आप तो झूठ बोलो थाने तो सपनों ही आयो हकीकत में थोड़ी आया जाना भाई टेंशन लियो जाना कुर्जा नहीं याद करी कुर्जा मतलब एक पक्षी हुआ करे जाना वहाँ कुर्जा आई कुर्जा ने मतलब वो लेटर लिखन भेजियो सांसा में तो लिख दिया ओल बा कि कितना महीना हुआ आपने नौकरी मत किया ने अली पदारिया ने और पंख हमें सलाम लिखिया मतलब परिवार घर सब सुखी है गणपति हाँ पंखा में गणपति अच्छा। वे संदेश लेन गणपति वे ये तो बहुत संदेश लेनी हो गोदी में ना कि पीऊ जी रे मतलब नौकरी में बने बहु देखियो गणपति कहो कि एलो राजा जी मतलब नौकरी करता नहीं आगे बने बाने के एलो राजा जी थारी नौकरी एलो दोस्तां साथीड़ां थारो साथ संदेशो मारे घरां सु आयो मतलब मारे मिशेदरो जने के एक टकेरी है नौकरी और लाख टकेरी मारी घर ही ना रे लिटरली जो बोलते ना पीसफुल एकदम शांति जो एक वो सिटी से बाहर निकल के जो चीज़ शांति मिलती है ना वो यहाँ पर प्राप्त हो रही है शांति लेकिन मैं मतलब सॉरी चाहूँगा क्योंकि हम रात के समय में आए थे तो यहाँ पर हॉर्सेस भी हैं और साथ में बहुत सारे मतलब पशु भी हैं और डॉग्स भी हैं लेकिन रात के अंधेरे में मैं उनको दिखा नहीं पाऊँगा लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आने का मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको दिखाएंगे क्या दिखाएंगे हमको वापस जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो आप आओ आपको कैसा लगा इधर आकर पर्सनल एक्सपीरियंस
शेयर कर सकते हो आप? तो काफी टाइम से सोच रहे थे कि बाबा के रावली चलना है, हाँ। तो आज सैंडी भैया है तो इनकी वजह से हमें भी मौका मिला बाबा के साथ में। सही में, और आपको कैसा लगा बाबा? मेरे को बहुत मजा आया आपके साथ, काफी दिनों बाद हम मिले हैं, महीनों बाद मिले हैं भाई से। और युवराज बन्ना हमारे साथ हॉर्स राइडिंग करते हैं, बहुत अच्छे हॉर्स राइडर है ये, और इनसे और हॉर्स से लव सा हो गया है अब हमें। यहाँ पे दो हॉर्सेज हैं, बहुत अच्छे हॉर्स हैं, बहुत ही शानदार जगह है, बहुत मजा आ रहा है। मतलब बोलते ना अपनी लैंग्वेज में कि एक नंबर, एक नंबर आनंद है, मतलब नेक्स्ट लेवल का आनंद है। अगर देखो आप कुछ प्लान भी कर रहे हो ना शायद वेलकम वाला दिखा था? हाँ बिल्कुल, इसको थोड़ा डेवलप करने का प्लान। हाँ चलो, जब भी वो होगा तब देखो, अगर ये हमें आमंत्रित करेंगे तो हम जरूर आएंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट वीडियो में आप देख ही लेना वैसे, लेकिन अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। हर हर महादेव। हर हर महादेव।